लेकिन एक बात पता चल गई है, अभिया की ससुराल से ना आने की वजह समझे आप? नहीं, वजह यही लड़का है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अभिया और इस लड़के का कोई ना कोई चक्कर है। आप खुद ही सोचिए, अभिया अपने शौहर की मौत इतनी जल्दी कैसे भूल गई? ये दूसरी बेटी की आपस सर पे पड़ी है ना, तो अजहर साहब तो आधे ही रह गए बिल्कुल। शौकत साहब, बात ही कुछ ऐसी है, मरने वालों को तो सब्र आ जाता है इंसान को। अभिया तो अपने घर रहेगी, लेकिन ये बेटी 24 घंटे अजहर साहब की आंखों के सामने रहेगी, बेचारे जलते कुड़ते रहेंगे। बिल्कुल ठीक समझ रही हो तुम, अब ऑफिस के कामों से भी रह जाएंगे ये। मैं तो रजा से कहता हूं कि जितना माल बटोर सकते हो ना बटोर लो, गोल्डन चांस है। बस कर दें आप, हर वक्त एक ही बात, मेरा बेटा समझदार है, उसे पता है किस वक्त क्या करना है और क्या नहीं करना, वो खुद कर लेगा, आप परेशान मत हुआ करें। आप मुझे ये बताएं, वो जो जैन के साथ लड़का था, तैमूर का कजन है ना? हाँ, बहुत शातिर दिमाग है उसका, ये किसी ऑफिस में बड़े ओहदे पे काम कर रहा है। लग रहा था पहली नजर में मुझे अपनी निदा के लिए बहुत अच्छा लगा। क्या बात कर रही हो तुम यार, अपना प्रोग्राम भूल गए? हमारा क्या प्लान है? मुझे सब प्रोग्राम याद है, लेकिन एक बात पता चल गई है, अभिया की ससुराल से ना आने की वजह समझे आप? नहीं, वजह यही लड़का है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अभिया और इस लड़के का कोई ना कोई चक्कर है। आप खुद ही सोचिए, अभिया अपने शौहर की मौत इतनी जल्दी कैसे भूल गई? बीवियां तो सालों अपने शौहर का गम मनाती हैं, भूल नहीं पाती, और अभिया भरी जवानी में अपने शौहर का गम भूल गई। हाँ, यही बात है शायद, इसलिए दादी को भी उसने अपना गर्विदा बना लिया है। देखा आपने कैसे सही निशाना लगाया मैंने अपनी सोच का। अरे यार, भाड़ में जाएंगे लोग यार, भूख लग रही है, चाय और खाने पीने का बंदोबस्त करो यार। मुझे मालूम था ये वक्त आपकी चाय का होता है। मैंने मुलाजमा को बोल दिया कि हाईटी लगाओ, अभी चलते हैं करते हैं। अच्छा, अब देखो भी बड़े लोग हो गए हम लोग, अब देखो मेरी तरफ। Hi everyone, this is Kubra Khan. Do subscribe to the ARY channel on YouTube to watch episodes of Sinfia Han or any other update.